नमस्कार दोस्तों, गौरव पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज रविवार है और आज हम चल रहे हैं हमारे छतर में पहली बार गांधी चौक पर मां नर्मदा जी की झांकी सजाई गई है और जहां पर 24 घंटे का अखंड सीताराम धुन भी विराजमान है। हमारे ठाकुर साहब जी आ चुके हैं तो हम ठाकुर साहब के साथ चलते हैं नर्मदा जी की झांकी के दर्शन करने के लिए और वहाँ पर हम सुनेंगे अखंड जो सीताराम धुन चल रही है। दोस्तों हम आ चुके हैं चौक बाजार पर, नर्मदा जी उत्सव जहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने कितनी सुंदर नर्मदा जी माता की प्रतिमा, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी यहां पर सजावट। आप देख सकते हैं मां नर्मदा के एक हाथ में कलश और आपको दिखा रहे हैं दूसरे हाथ से माता सभी को आशीर्वाद दे रही हैं और तीसरे हाथ में माता त्रिशूल ली है, चौथे हाथ में भगवान शंकर जी विराजमान है। कितना सुंदर स्वरूप नर्मदा जी माता का और छतरपुर में ऐसा उत्सव आज पहली बार हो रहा है। मैंने आज तक ऐसा उत्सव नहीं देखा है। इन माता जी की प्रतिमा की स्थापना बिल्कुल विधि विधान सहित की गई, नवग्रह का चौक परवाया गया है, बिल्कुल प्रतिदिन सुबह शाम माता की आरती होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं माता का वाहन मगरमच्छ है, मगरमच्छ पर कमल और कमल के ऊपर माता नर्मदा जी विराजमान हैं। छतरपुर का यह पहला आयोजन है। मैंने अपने जीवन में ऐसा आयोजन छतरपुर में आज तक नहीं देखा। दोस्तों मां नर्मदा जी की यह प्रतिमा की स्थापना हुई है बसंत पंचमी पर, जो आगामी 8 तारीख को नर्मदा जी जयंती पर इस आयोजन का बिल्कुल विधि विधान से हवन होगा, उसके बाद इस आयोजन का समापन होगा और माता को बिल्कुल नर्मदा जी को में ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल माता मगरमच्छ पर विराजमान है, उसके ऊपर कमल, कितना सुंदर स्वरूप। सभी जानते हैं मां नर्मदा जी का जो वाहन है वह मगरमच्छ है, इसीलिए जो प्रतिमा बनाई गई है आज पहले आयोजन छतरपुर में वह मगरमच्छ पर माता को विराजमान किया गया है। इतनी सुंदर स्वरूप, इतनी सुंदर अच्छी मूर्ति मैंने आज तक नर्मदा जी मां। दोस्तों 24 घंटे का सीताराम धुन का भी आयोजन यहां पर किया जा रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, कितना धर्ममय वातावरण के सामने मां नर्मदा जी की प्रतिमा, बहुत ही अच्छी सजावट और सीताराम धुन, वो भी 24 घंटे की। आज चौक बाजार का यह परिसर, यह स्थान, यह वायुमंडल धन्य हो गया है सीताराम धुन से। तो दोस्तों आपको बिल्कुल सीताराम धुन सुनाते हैं। सीताराम 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 तो आप देख सकते हैं सामने का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। सुबह सुबह का मौसम है और समोसे पोहे और फल की ठिलियां आ चुकी हैं और लोग पोहा का एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं यह भी सामने चौक बाजार है, लोग आ रहे जा रहे हैं, कितना अच्छा भव्य दरबार सीताराम धुन हो रही है, माता विराजमान है, कितना अच्छा लग रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रास्ताएं चल रही हैं, सामने आपको दिखा रहे हैं हमारे हेमंत जी भी यहां पर बैठे हुए हैं और सीताराम धुन सुन रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे सामने ठाकुर साहब भी आ रहे हैं और जो मेरे साथ आए हुए बहुत चौक बाजार के माहौल का आनंद ले रहे हैं। सुबह सुबह का ठंडी ठंडी धूप और ठंडी ठंडी हवा और उसी बीच में इतना अच्छा आयोजन, ऐसा आयोजन छतरपुर वासियों ने आज तक नहीं देखा। सीताराम धुन और सामने मां नर्मदा जी का दरबार, कितना अच्छा लग रहा है। मां नर्मदा की जय, बहुत अच्छा आयोजन। हमारे ठाकुर जी तो बताते हैं कि हमारे यहां तो हर साल ऐसे आयोजन होते रहते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि ठाकुर जी
ऐसा आयोजन मैंने अपने जीवन में छतरपुर में वो भी चौक बाजार पर पहली बार देखा है। कितना सुंदर स्वरूप मगरमच्छ पर माता विराजमान है, उसके ऊपर कमल और चतुर्भुजी माँ नर्मदा जी। कितना सुंदर माहौल देखिएगा। हमारे दीपक भाई साहब आए हैं, कुछ कह रहे हैं। वह भी कहते हैं कि मैंने भी आज तक छतरपुर में ऐसा आयोजन नहीं देखा। बोलो नर्मदा माता की जय।